ये है जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस सीजन 5 की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वीडियो की। एपिसोड 7 में कैंपर्स बात करते हैं कि उन्हें कौन के आने से पहले ही सभी डायनासोर्स को एक जगह कर देना चाहिए ताकि उन्हें बचाने में आसानी हो। इसके लिए वे न्यू ब्लड जैसे ही एक वाटरिंग होल बनाने के बारे सोचते हैं जहाँ पर सारे डायनासोर्स बिना एक दूसरे को हार्म किए रिलैक्स कर पाएंगे। वाटरिंग होल बनाने के लिए उन्हें बस ड्रेन को बंद करना था और बाकी डायनासोर्स को यहाँ पर लाना था। याज और बेन फायर क्रैकर और साइनो स्पाइनो हाइब्रिड्स को लेने जाते हैं। ब्रुकलिन, सैमी और डेरियस ड्रेन को बंद करने के लिए वहीं रुकते हैं। ड्रेन को बंद करने से पहले ही वो दोनों टीरेक्सेस वहाँ आ जाते हैं, जिनका ध्यान भटकाने के लिए डेरियस और ब्रुकलिन जाते हैं। वे दोनों टीरेक्सेस को अपने पीछे ले लेते हैं। याज और बेन साइनो स्पाइनो हाइब्रिड्स और फायर क्रैकर को ले आते हैं। बातों ही बातों में याज बेन को रिवील कर देती है कि वो सैमी को पसंद करती है। इस दौरान वे नोटिस करते हैं कि फायर क्रैकर वहाँ पर नहीं है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। ब्रुकलिन और डेरियस टी रेक्सेस से बचने के लिए पेड़ पर बने एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं, पर टी रेक्सेस वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। वे ट्रायडोंस को अपनी तरफ बुलाते हैं, जिससे टी रेक्सेस का ध्यान उन पर जाता है और वे ट्रायडोंस के पीछे चले जाते हैं। बेन और याज को फायर क्रैकर मिल जाती है, पर वहाँ पर डेल्फोसॉरस उनका पीछा करते हैं, जिन्हें वे पीछे छोड़ देते हैं। सैमी ने ड्रेन को ब्लॉक कर दिया था। वो अंडरग्राउंड पाइप में जाती है वाटर फ्लो को तेज करने के लिए। ऑल दो ब्रुकलिन ने सारे ब्रेड्स को बंद कर दिया था, लेकिन किसी वजह से एक ब्रेड ऑन था और वो वहाँ पर आ जाता है। सैमी उसे बचती है और वाटर फ्लो तेज करने में कामयाब हो जाती है। सभी कैंपर्स वहाँ आ जाते हैं। टी रेक्सेस भी वहाँ आ जाते हैं, पर वे शांति के साथ पानी पीने लगते हैं। बाकी डायनासोर्स भी शांति से पानी पीते हैं। डॉटसन कौन से कहता है कि जो कि वो इतने सारे पैसे देने वाला है तो एसेट्स एंड चिप्स के साथ उसे कुछ और डायनासोर्स का डीएनए भी चाहिए, जिसके लिए कौन एग्री करता है। डॉटसन वहाँ से चला जाता है। कौन डीएनए लाने के लिए मे और हॉक्स को भेजता है। ब्रैंड, डेव और रॉक्सी टिफ और मिच के कैंप के पास आते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कहीं कैंपर्स उनके साथ ही तो आइलैंड छोड़कर नहीं चले गए। केंजी को पता चलता है कि उसके मना करने पर भी कौन ने बम्पी को पकड़ लिया था और उसमें कंट्रोलिंग चिप डाल दी थी। बम्पी को यहाँ देखकर केंजी काफ़ी दुखी होता है। कौन को पता चलता है कि कैंपर्स अपनी कैप्टिविटी से भाग निकले हैं, इसलिए अब वो आइलैंड जल्द से जल्द जाना चाहता है। पर उसे ये जानकारी मिलती है कि मे गायब है और उसके पास ही डीएनए सैंपल्स हैं। वो सभी को मे को ढूंढने के लिए भेजता है। मे सभी इकट्ठा किए गए सैंपल्स को फेंक देती है, साथ ही एक पैरासोलॉफिस के झुंड को देखती है जो एक बूढ़ी पैरस के ऊपर पत्ते रख रहे थे उसे शिकारियों से बचाने के लिए। केंजी मे को ढूंढ लेता है और वापस जाने के लिए कहता है, पर मे नहीं जाती। तभी वहाँ पर एक बैरोनिक्स आ जाता है और पैरस को पकड़ने की कोशिश करता है। सभी पैरस वहाँ से भाग जाती हैं। बैरोनिक्स उस बूढ़ी पैरस को देख नहीं पाता और चला जाता है, जिससे वो ओल्ड पैरस बच जाती है। ये देखकर मे काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। मे यही डिसीजन लेती है कि वह यहाँ यानी ईस्ला न्यूब्लार में ही रुकेगी। केंजी मर्सनरीज और कॉन को कन्विंस कर लेता है कि उन्हें मे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डीएनए सैंपल्स मेटाकॉप आइलैंड के डांसर्स से ही मिल जाएगा। कॉन मान जाता है और वे वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रैंड, डेव और रॉक्सी ये कन्फ्यूजन में थे कि कैंपर्स इस आइलैंड में है भी या नहीं। तभी मे वहाँ आ जाती है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। याज और बेन आपस में बात कर रहे होते हैं कि याज को सैमी को बता देना चाहिए कि वो उसे पसंद करती है। याज सैमी से बात करने जाती है, पर बाकियों के आने से आगे नहीं बढ़ती। कैंपर्स थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि कौन और बाकियों के आने से पहले ही उन्हें दरवाज़ों को लॉक कर देना चाहिए। इस दौरान सिस्टम के ख़राब होने की वार्निंग आने लगती है और वे सभी इसके बारे पता करने जाते हैं। वे देखते हैं कि पावर मशीन की हालत और ख़राब हो गई थी, साथ ही जहरीली गैस भी निकल रही थी। वहाँ नोटोसोरस अपीयर होता है, पर गैस की वजह से बेहोश हो जाता है। बेन, याज, सैमी नोटोसोरस को लेकर सरफेस पर जाते हैं। ब्रुकलिन और डेरियस मशीन ठीक करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। डेरियस पाइप से निकलने वाली गैस को रोकता है और ब्रुकलिन सिस्टम को ठीक करती है। सिस्टम ठीक हो जाता है, पर वह बेहोश हो जाती है। डेरियस आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ एलिवेटर से ऊपर सरफेस की ओर जाते हुए नोटोसोरस जाग जाता है और हमला करता है। वे सभी उससे किसी तरह बचते हैं और इवेंचुअली सरफेस पर पहुंच जाते हैं। नोटोसोरस एक डेल्फोसोरस का शिकार करता है।
याज फाइनली सैमी को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। सैमी के अंदर भी सेम फीलिंग्स थी। आखिरकार कौन और बाकी सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। केंजी को डायनासोर कंट्रोल करते देख सभी दुखी होते हैं। बम्पी को वहाँ देखकर वे और ज़्यादा चौंक जाते हैं। कौन केंजी को कैंपस के बारे में बताता है कि वे सभी भाग चुके हैं। बेन बम्पी को कंट्रोल देखकर काफ़ी गुस्से में था और वह उसे बचाने जाता है। वे सभी हॉक्स को वहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। कौन बताता है कि सभी कंट्रोलिंग चिप्स गायब हैं, पर उसने इसके लिए बैकअप रखा है। कौन के अनुसार किसी एक ब्रैड के मुंह में फ्लैश ड्राइव मौजूद है जिसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। वो केंजी को डायनासोर की देखरेख करने के लिए भेज देता है। बेन बम्पी को बचाने जाता है और बाकी सभी कैंपर्स उसी फ्लैश ड्राइव को ढूंढने जाते हैं। ब्रुकलिन सभी ब्रैड्स की लोकेशन जान लेती है और वे ड्राइव को ढूंढना शुरू करते हैं। कौन जान जाता है कि कैंपस ने सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर दिया है, जिससे वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो हॉक्स को ड्राइव और बच्चे दोनों को लाने के लिए कहता है। बेन केंजी से गुस्से में मिलता है, पर केंजी उससे माफ़ी मांगता है और बेन को मना लेता है। मर्सनरीज डायनासोर के पास थे, जिससे केंजी उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ का बहाना देकर दूर कर देता है। बेन के काफ़ी कोशिश करने पर भी बम्पी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। केंजी उसे रिमोट कंट्रोलर देता है, पर बेन रिफ्यूज़ कर देता है। वे मर्सनरीज वहाँ पर आ जाते हैं और बम्पी की मदद से बेन को मारने की कोशिश करते हैं। केंजी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बम्पी बेन को मारने ही वाली होती है, पर बेन के लगातार पुकारने से बम्पी अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। केंजी रिमोट कंट्रोलर तोड़ देता है, जिससे बम्पी अपने पूरे होश में आ जाती है और मर्सनरीज को भगा देती है। दूसरी तरफ कैंपर्स डेजर्ट बायोम में थे। वे जानबूझकर हॉक्स को स्पाइनोसॉरस के पास ले जाते हैं, जिससे वो भाग जाता है। कैंपर्स को फाइनली फ्लैश ड्राइव मिल जाता है, पर तभी स्पाइनोसॉरस वहाँ आ जाता है, जिसे हॉक्स कंट्रोल कर रहा था। कुछ देर हमला करने के बाद हॉक्स को ड्राइव मिल जाता है, पर कैंपर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वे बायोम के डोर का सर्किट उड़ा देते हैं, जिससे वह खुल नहीं पाएंगे। कौन को ड्राइव के साथ उसके सिस्टम के पासवर्ड की भी ज़रूरत है। बेन और बम्पी कैंपस के सामने आते हैं। केंजी की अपीयरेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। केंजी उन सब से माफ़ी मांगता है और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करता है। सभी मान जाते हैं, पर डेरियस अभी भी नाराज था। कौन और बाकी टोरो की मदद से दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वहाँ आ जाते हैं। वह स्पाइनोसॉरस डाइमोफोटॉन टोरो और लिम्बो को उनकी तरफ भेजता है। बेन और ब्रुकलिन उन्हें कुछ देर के लिए रोकने जाते हैं। बाकी कैंपर्स उस वाटरिंग होल से सभी डायनासोर को हटाने जाते हैं। डेरियस के खतरे का सिग्नल भेजने पर भी कोई भी डायनासोर वहां से हटता नहीं है। ब्रुकलिन और बेन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा देर रोक नहीं पाते। डेरियस समझ जाता है कि ये डायनासोर इस वाटरिंग होल को ही अपना इलाका बना चुके हैं, इसलिए ये यहां से नहीं जाएंगे। कैंपर्स भी बाकी डायनासोर के साथ कौन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन वहां आ जाता है और कैंपस से पासवर्ड मांगता है, पर वे पासवर्ड नहीं देते, जिससे वह हमला करवा देता है। कैंपस की तरफ से डायनासोर्स कौन के डायनासोर्स के साथ लड़ने लगते हैं। कैंपस भी उनका साथ देते हैं और वे धीरे धीरे सभी डायनासोर्स के कंट्रोलिंग रिमोट को तोड़ देते हैं। कौन सैमी को फायर क्रैकर के साथ केव में जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे जाता है। वो सैमी को पासवर्ड बताने के लिए कहता है, पर वह नहीं बताती। वो उसे रिवील करता है कि वो ही उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करता था, कैश नहीं। इससे सैमी कौन के पेट पर लात मारकर वहां से चली जाती है। केंजी और डेरियस के बीच में दोबारा दोस्ती हो जाती है। कौन सभी डायनासोर्स को दोबारा कंट्रोल कर लेता है और उनसे लिटिल इटी पर हमला करवाता है। तभी बिग इटी वहां आ जाती है और लिम्बू को मार डालती है। कौन स्पाइनोसॉरस की मदद से बिग इटी की गर्दन पर जानलेवा हमला करता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। बाकी डायनासोर्स वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि बिग इटी उनकी अल्फा थी जो हार चुकी है। कैंपस भी वहाँ से भाग जाते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि वे बोट की मदद से यहाँ से चले जाएंगे। बोट की तरफ जाते हुए वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। केंजी, डेरियस और ब्रुकलिन अंडरग्राउंड रास्ते से जाते हैं, पर वहाँ पर एक टर्नाडोन ब्रुकलिन पर हमला करता है, जिसे केंजी बचा लेता है। पर उस टर्नाडोन की वजह से डेरियस और केंजी ब्रुकलिन से अलग हो जाते हैं। याज, सैमी और बेन वेयर हाउस में चले जाते हैं, जिनके पीछे एक मर्सनरी जाता है। वो उन्हें पकड़ लेता है, पर वहाँ पर दो रैप्टर्स आ जाते हैं, जिनसे उन्हें बचना पड़ता है। मौका मिलते ही वे वहाँ से भाग जाते हैं और मर्सनरी मारा जाता है। केंजी देखता है कि डेरिस अचानक कहीं गायब हो गया है, जिसे कौन ने किडनैप किया था। वो दोबारा उससे पासवर्ड पूछता है, नहीं बताने पर वो उसे मार डालने का ऑर्डर देता है। पर वहाँ पर केंजी आ जाता है और वो पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड बताने पर भी कौन डेरियस को मारने का ऑर्डर देता है। हॉक्स के डेरियस को मारने से पहले ही बिग इटी वहाँ आ जाती है, जिससे हॉक्स के हाथों से कंट्रोलर छूट जाता है और बिग इटी
उस पर चढ़ जाती है और वो टूट जाता है, जिससे स्पाइनोसॉरस अपने होश में आ जाता है। बिग इटी स्पाइनोसॉरस को ढकेल देती है और उससे लड़ने लगती है। लिटिल इटी हॉक्स को मार डालती है। बिग इटी के साथ कुछ देर फाइट करने के बाद स्पाइनोसॉरस वहाँ से भाग जाता है। वहाँ दोबारा सिस्टम एरर की वार्निंग आने लगती है और जहरीली गैस निकलने लगती है। डेरियस कॉन को सारे सिस्टम की गड़बड़ी और अर्थक्विक्स के बारे बताता है। कॉन वहाँ से भागने लगता है क्योंकि ये आइलैंड बर्बाद होने वाला था। वो केंजी को अपने साथ बुलाता है, पर केंजी बाकियों के साथ ही जाना चाहता था। इससे कॉन उन सभी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। फिर पता चलता है कि ये सब फेक सिस्टम वार्निंग थी कॉन को भगाने के लिए। कुछ समय के बाद ब्रांड में डेव और रॉक्सी वहाँ आ जाते हैं। कैंपर्स उनसे मिलते हैं और फाइनली वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं। वे सारे अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। कॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडल्ट डेरियस को दिखाया जाता है जो ये स्टोरी बता रहा था। केंजी को डेरियस के साथ दिखाया जाता है जो बाकी कैंपर्स को वीडियो कॉल करते हैं। हमें पता चलता है कि बेन और मे मेटाकॉप के डांसर्स की देखभाल करते हैं, जिसके बिल्स केंजी पे करता है। ब्रुकलिन उन्हें बताती है एक रूमर के बारे कि लॉकवुड इस्टेट से डायनासोर्स भाग गए हैं। वीडियो कॉल के एंड होने के बाद डेरियस को किसी भारी कदमों की आवाज़ आती है। वो अपने घर के बाहर एक ब्रोकियोसॉरस को देखता है और कैंप क्रिटेसिस का फाइनल सीजन खत्म हो जाता है। तो ये था जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटेसिस का फाइनल सीजन। मैंने इस सीज़न का रिव्यू भी किया है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। Thank you.